सानिया जो है बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मनीष प्लीज एक बार मुझसे बात करो। तो चलिए सानिया आपसे बात करते हैं। कैसे सर, सब बढ़िया? वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अच्छी हैं? बहुत। मुझे तो आप वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। थैंक यू। टेनिस बड़ा कमाल है वैसे आपका। थैंक यू। अच्छा मेरे को ये बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन है, जरा देख के लेफ्ट में कोई बैठे सोचिए। ये आपने पढ़ा हुआ है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ जो मन में आता है। पढ़ लिख के बड़ा किसी ने कुछ बोला। अक्षय कुमार। क्या बात है सर। पर मुझे मत देखो आप ऐसे जैसे ही आज आपने थैंक यू वेरी मच कर दिया मेरा। सर एक बार तो बात और करूंगा मैं। सर, सर दो दिल्ली वाले मिल जाते हैं ना बड़े मजे आते हैं। आई मेरा हाथ उठ गया। अच्छा आप इतनी तेज, आप क्यों इतने बादाम खाते हो? आपने मेरी एक तो हाथ ऐसे तोड़ा है ना मेरा। अच्छा अच्छा सर ये वाला माइक ऑन कर देंगे, कोई बात नहीं। कैसे सर? बहुत बढ़िया। कुछ वो देर पर है ना अपना, और ये वाला ऑन कर दिया सर। आपकी बात मानते, मेरी बात नहीं मानते सर। सर ये आपने पर्स अपने सामने क्यों रखा हुआ है? जी इनका है। आपका? कमबख्तो मेरे माइक में जंग लगा हुआ, ऑन करो इसको। सर एक बार बोल दो, मेरा माइक बंद कर रहे हैं सर। ये इस्तेमाल कर सर, इससे कर लेते हैं सर। वैसे आप इतना एक्शन करते हैं सर, थोड़ी टिप्स मुझे भी दीजिए प्लीज। कैसे टिप्स ये बताए सर? एक्शन के कैसे एक्शन करूं मैं? सबसे पहले अच्छा खाएं, सोएं, माँ के हाथ का बना हुआ खाएं, और उसके बाद सेहत बनाएं। बाहर जाके वड़ा पाव या ये जो गंदी गंदी चीजें खाते हो। सर बड़ी गंदी, मैं तो खाते नहीं सर। वड़ा पाव तो बहुत बढ़िया चीज है सर, वो तो मैं खाता हूँ सर, लेकिन बाहर की मत खाया करो। बाहर की नहीं सर, मैं बाहर से लेके घर में आके अंदर खाता हूँ। घर का खाया करो, उसके बाद आपकी सेहत बनेगी। जो पतली सी टांगे हैं वो सेहतमंद बनेंगी। सर एक्चुअली टांगे मेरी पतली हो गई, पहले मेरी टांगों पे बहुत बाल थे सर, जब से शेव किए टांगे पतली हो गई हैं सर। सर मैंने उनको बोला टांगे शेव कर दो, कहते हैं सर घास काटने वाली मशीन लाओ। बेटा ये इतनी बकवास करते इसलिए कोई सुनता नहीं तुम्हारी बात। नीचे झुक के क्या देखोगे? मेरे चरण, बेटे चरण यहाँ तक नहीं, नीचे तक होते हैं। चरण गलत सीखते हो बेटे। इससे पहले कि तू मार खाए तू वहां पर वापस आ। नहीं नहीं रहने दो इसको, इसे बड़े दिन हो गए। मैं टीवी पे जब देखता हूँ ये लोगों की पकड़ता खींचता है। नहीं दे रहे मुझे इनको, पता है माइक में दे दो उसे दो चार। बड़ा अच्छा लगा आज आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया ना, आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसके लिए। मैं मम्मी आई है मेरी उनके सामने, आपने बेइज्जतियां करी है मेरी। कोई बात नहीं सर, चॉकलेट खाइए। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपका क्या है वैसे? सर हेल्दी खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा, वड़े पाव नहीं खाऊंगा बाहर से, घर लेके आऊंगा, अंदर बैठ के खाऊंगा। थैंक यू सर, कुछ तो मीठा खिलाया आपने मुझे। थैंक यू अक्की भाई। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पार्टी के लिए रेडी है। आज हर घर में पार्टी है, घर घर में पार्टी है, और हम आज इस ठंडी सर्दी वाली रात को इतनी हॉट बना देंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फैन चलाएं या फिर एसी चलाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आज हम लोग दोनों पहली बार एक साथ ये अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों एक दूसरे में खो जाए, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, अगर हम लोग कहीं रुक जाए, कहीं फ्रीज हो जाए, कुछ तो अगर कुछ गलतियां हो जाए तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। एब्सोल्युटली। सॉरी, लेट्स हैव अ बिग लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन एवरीबॉडी। ये है इस साल के सबसे बड़े अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड जनता ने दिया है। जिसने जनता को एंटरटेन किया उसका सम्मान किया जाएगा, और साथ में हम करेंगे पार्टी। व्हाटएवर हैपेंस स्टॉप नॉट।
और एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए, नया साल आएगा लेकिन नया साल लाएगा कौन? नया साल लाएगा सलमान खान, और वो भी एक बार नहीं तीन तीन बार। ये स्टार प्लस का शो है भाई, या रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं है। एब्सोल्युटली, तो इसी नई सोच के साथ आज हम नए साल का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत कीजिए एक दीवाने का। लड़के गिर जाते हैं, बाइक क्यों नहीं गिरेगी? मेरा दोस्त और एमी, मेरी प्रतीक, कोई नहीं, तुम मुझे मिल लो, इट्स ओके। प्रतीक, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम टू द पार्टी प्रतीक, वेलकम टू द पार्टी। प्रतीक, आजकल हम लोग एक चीज सुन रहे हैं, तू तो एमी 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 लुट गया यार। यही तो मैं कहते कहते थक गया हूं श्रेयस। क्या हुआ, क्या हुआ यार, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनती नहीं है। सुनती नहीं यार, ये सुनती नहीं है यार, कौन सा मॉडल है ये? ओए, अरे नहीं, मतलब बाइक कौन सा मॉडल है भाई? इतनी अच्छी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक लेके घूम रहे हो तो फिर भी लड़की सुनती नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता यार। देख, अगर बाइक से लड़की पट जाती है ना, तो जॉन इब्राहिम की अब तक काफी शादियां हो चुकी होती। करेक्ट। तलपड़े जरा, आप जरा इधर आ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, एक आइडिया मेरे पास। ओके, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे घुटनों में कितनी ताकत है? देखो देखो, ओहो नहीं है ताकत वाले। देखो, अब इन घुटनों पर अपने मोहब्बत का बोझ, अपनी दीवानगी का बोझ डाल दो, डाल दो। इनका वैसे भी कुछ नहीं होना, डाल डाल दो। वेरी गुड। प्रतीक, जरा जैकेट उतार दो। उतार दो? हाँ उतार दो, उतार दो। हाँ हाँ, ये बात हुई ना, लाओ लाओ जैकेट। हाँ, ये बाइसेप जो है थोड़ा दिखाते हुए। एमी एमी, मैं तुमसे प्यार कर, एमी मैं... अरे सुनो प्रतीक, क्या है एक्चुअली, लड़कियां 12-12 सोमवार का व्रत करती हैं अपने मन की मीत को पाने के लिए, तो कुछ और करना पड़ेगा ना। शेयर्स, मुझे क्या करना होगा? देख, अपना अपना स्टाइल होता है, क्या है। हाँ। मैंने जब अपने वाइफ को पटाया था ना, तब मैंने काफी गाने वाने गाए, और जब तक वो मिस से मिसेस होनी गई थी ना, तब तक मैंने अपना चित्रहार जारी रखा था, तो कुछ गाना वाना गा, यू नो, डांस वांस कर। श्रेयस, ना तो मैं गा सकता हूँ ना तो नाच सकता हूँ। एक आइडिया और है फाइनली मेरे पास। चलो, तुम गा नहीं सकते ना, नो प्रॉब्लम, गाना सुना तो सकते हो ना। हाँ। अपनी फिल्म का गाना सुना दो यार, है तुम्हारी हेल्प करेंगे। थैंक्स डूड, एनी टाइम। थैंक्स डूड, आई ओ यू वन, एनी टाइम। एमी एक दीवाना था, जिसका दिल तुम्हें यूं ही दुखाना था, और ये गाना फसाना हमारा था। के टीवी पे कौन रहा बिग स्टार, मोस्ट एंटरटेनिंग टीवी डांसर? एंड द बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर टीवी गोज टू अनकंसर्न फॉर जस्ट डांस। कंग्रेचुलेशंस। और अब बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग टीवी सीरीज फिक्शन, एंड द नॉमिनीज आर, चल मैं चलता हूं तेरे साथ, बालिका वधु, कलर्स, बच्चा तो रहा ना ये, अब तो बड़े बड़े फैसले लेने लगो है, बिना हमें बताए। ये देखिए सर, CID, सोनी, 15 DNA मिले, उसमें 15 लोगों का खून मिला हुआ है। मेडल साहब, ये है गोकुलधाम सोसाइटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब टीवी। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, ये देश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। साथ निभाना साथिया, स्टार प्लस, और हर काम में अपनी बहन राशि का साथ दिया। माँ जी,
ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस। बड़े अच्छे लगते हैं सोनी। All right, and to give away the award, may I please invite on stage Javed Ali. The big star, most entertaining series, TV fiction, goes to Saath Nibhana Saathia on Star Plus. Congratulations. Manish, मैंने अगर कभी सीरियल किया ना, हाँ, तो इस कैटेगरी में तो मुझे अवार्ड पक्का मिलेगा. Ladies and gentlemen, big star, most entertaining TV actor, fiction, male. And the nominees are... Anupam Shyam, Man Ki Awaaz, Pratigya, Star Plus. Dilip Joshi, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Sub TV.